मैंने कितनी बार कहा आपसे कि कांग्रेस पार्टी भी महागठबंधन में है। सुना, ये अखिलेश यादव का बयान है जिन्होंने खुद कहा था कि कांग्रेस गठबंधन में शामिल है। इस बयान के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर सामने आए। उन्होंने कहा, कांग्रेस पार्टी आज गठबंधन के साथ ही समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के लिए, हम इन तीनों के लिए 7 सीटें छोड़ रहे हैं। साथ ही साथ निभाना रे, दिल को तोड़ न जाना रे, साथ ही साथ निभाना रे। अखिलेश यादव ने कांग्रेस को गठबंधन का साथी बताया तो कांग्रेस ने हाथ बढ़ा दिया, लेकिन गठबंधन को अब कांग्रेस का साथ पसंद नहीं है। अखिलेश यादव ने कांग्रेस की मुरव्वत पर पलटवार करते हुए ट्वीट किया, उत्तर प्रदेश में एसपी, बीएसपी और आरएलडी का गठबंधन बीजेपी को हराने में सक्षम है। कांग्रेस पार्टी किसी तरह का कंफ्यूजन पैदा ना करे। वैसे अखिलेश यादव ने समय रहते अपने बयान से पलटी मार ली, लेकिन कांग्रेस पर लगातार हमलावर बीएसपी ने एक बार फिर कांग्रेस पर अटैक किया। मायावती ने लिखा, कांग्रेस यूपी में भी पूरी तरह से स्वतंत्र है कि वो यहाँ की 80 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़ा करके अकेले चुनाव लड़े, अर्थात हमारा यहाँ बना गठबंधन अकेले बीजेपी को पराजित करने में पूरी तरह से सक्षम है। कांग्रेस जबरदस्ती यूपी में गठबंधन हेतु 7 सीटें छोड़ने की भ्रांति न फैलाए। मायावती के ट्वीट के बाद बीएसपी नेता राम गोविंद चौधरी ने मायावती के बयान पर हाँ में हाँ मिला दिया और कांग्रेस को नसीहत दे दी। अरे उनके छोड़ने कोई मतलब नहीं है, कहिए तो वो भी लड़ ले, हम लोग लड़े तो पता चल जाएगा, तो राष्ट्रीय तो दिल्ली पहुंचेगा ही नहीं पहुंचेगा। वैसे एसपी और बीएसपी अब कांग्रेस से पीछा छुड़ाना चाहती है, लेकिन कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी संदेश यही दे रही हैं कि साथ ही साथ निभाना, क्योंकि मकसद एक ही है, बीजेपी को हराना। बीजेपी को भी भरोसा हो चला है कि विरोध में खड़े दल अलग अलग दिखाई भले दे रहे हों, लेकिन अंदर खाने सब साथ खड़े हैं। सपा, बसपा, कांग्रेस ही अलग अलग नहीं है, इनका आपसी तालमेल अंदर से बना हुआ है। कांग्रेस ने उनके लिए 7 सीटें अपने सुविधानुसार छोड़ दी और गठबंधन ने रायबरेली और अमेठी कांग्रेस की सुविधा के अनुसार छोड़ दी। अखिलेश यादव ने संदेश तो यही दिया कि गठबंधन में कांग्रेस साथ नहीं है, लेकिन खबर है कि अंदर खाने कांग्रेस साथ है और कांग्रेस का संदेश साफ है। खबर ये भी है कि एसपी, बीएसपी और आरएलडी ने किनारा इसलिए किया है कि कहीं जमीन पर बात न बिगड़ जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।